नमस्कार, मैं उमेश कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। जैसा आप देख पा रहे होंगे, सिल्क वर्म मैंने लिखा हुआ है। रेशम कीट के बारे में मुझे चर्चा करने से पहले वीडियो आपको मिला होगा लार्क इंसेक्ट के बारे में, उससे पहले मैंने हनी बीज के बारे में बात किया था। इस वीडियो में भी मैं बात करूँगा सिल्क वर्म का या रेशम कीट का क्लासिफिकेशन काइंड्स या प्रकार के बारे में और उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, जैसा आप सबको पता है कि क्लासिफिकेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार इसका फाइलम पूछ दिया जाता है, ऑर्डर पूछ दिया जाता है, ऑर्डर बहुत बार पूछा गया है। ये एग्रीकल्चर के सिलेबस के बेस पे काफ़ी पूछा गया है। पैट के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रकार के कंटेंट इससे पूछा जा सकता है। तो सिल्क वर्म या रेशम कीट का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन काइंड्स और मॉर्फोलॉजी का। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से मुझे हेल्प मिलती है, मैं काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा अच्छे से। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की अपडेट या जानकारी या सूचना आपको मिल जाए और आपको फ़ायदा हो इससे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी अच्छे से देख लीजिए आप लोग। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इस में पहले। रेशम कीट जो सिल्क वर्म होता है, रेशम कीट इसका जो क्लासिफिकेशन होता है बहुत कुछ हद तक उसी से रिलेटेड, जैसा इसे पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था एनिमिलिया का, मतलब लार्क कीट का, लार्क इंसेक्ट का, उसी के समान आपको देखने को मिल सकता है। तो किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम होता है एनिमिलिया। एनिमिलिया मतलब प्राणी जगत है, ये जंतु जगत है। सब किंगडम की बात करें तो ये है मेटाजोआ। मेटाजोआ मैंने कहा है कि अगर इसमें किसी भी प्रकार के आपको ज़्यादा डिटेल जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहेंगे। मेटाजोआ कहने का मतलब ये होता है मल्टी सेलुलर है, याद रखेंगे। ब्रांच के बारे में बात करते हैं एंटेरोजोआ। एंटेरोजोआ का मतलब होता है जिसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक कैविटी होती है या एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो प्रेजेंट होता है, ये एंटेरोजोआ का मतलब होता है। डिवीज़न की बात करते हैं, प्रभाग की बात करते हैं तो बायलेटेरिया होता है, अर्थात शरीर द्विपार्श्वमित या आप लोग पढ़े ना सिमेट्री पढ़े होंगे। मैंने अपने ही से चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें ये पूरा कंटेंट मैंने क्लियर किया था। बायलेटेरिया शरीर द्विपार सम्मित होता है। सेक्शन की बात करें यू सिलोमेटा कहने का मतलब इसमें ट्रू सिलोम इसमें प्रेजेंट होता है। सिलोमेट बोल सकते हैं इस एनिमल को, देही गुहा युक्त तो कह सकते हैं आप लोग। फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एक एनिमल है। सब फाइलम की बात करते हैं तो मैंडिबुलेटा आता है इसमें। मैंडिबुलेटा मैंडिबल उपस्थित होता है इसलिए मैंडिबुलेटा। क्लास की बात करते हैं, क्लास ये भी इंसेक्ट है, इंसेक्टा क्लास का है, कीट वर्ग बोलते हैं आप इसको। ठीक है, ती मतलब इसमें जो थ्री पेयर जो लेग्स पाए जाएंगे वो जॉइंटेड होगा, याद रखेंगे आप लोग। वन आर टू पेयर इसमें विंग्स प्रेजेंट हो सकता है। ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि एग्जाम में ऑर्डर से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल पूछा जाता है। लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा कैटरपिलर इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए पंख जो होता है वो रंगीन स्केल से ढका हुआ, कलर स्केल से ढका हुआ रहता है, कवर्ड रहता है। जीनस की बात करते हैं तो जीनस होता है बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स जीनस। और स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो एक स्पीसीज हम ले रहे हैं यहाँ पर मोराई, बॉम्बिक्स मोराई करके इसका नाम आता है, याद रखेंगे आप लोग। मतलब जिस रेशम कीट का हम वहाँ पर वर्णन पढ़ेंगे बॉम्बिक्स मोराई का पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सारे विश्व में तो अभी पाई जाती है लगभग, लेकिन अगर शुरुआत और ज़्यादा की अगर बात करें तो आज से लगभग 4590 वर्ष पूर्व, अर्थात आप कह सकते हैं कि 2600 ईसा पूर्व कह सकते हैं। ठीक है ना, बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, चीन की जो महारानी थी ये ईयर है, ये ईसा पूर्व है, याद रखेंगे।
बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग चीन की महारानी सी लिंग ची ने अपने जो गार्डन थे उसमें कोकुन्स को देखे थे वाइट कलर के, उसको उन्होंने लटके हुए देखा था। वहाँ से उन्होंने सूक्ष्म धागे उतरवाए, महीन चमकदार कपड़ा बनवाया जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और वहीं से सबसे पहले शुरुआत चीन में हुई थी रेशम उद्योग की, याद रखेंगे। धीरे धीरे करके पूरे यूरोप एशिया के सभी देशों में फैल गया था, सारे विश्व में इसकी खेती की जाती है, याद रखेंगे आप। जापान, इटली, फ्रांस, स्पेन, भारत और बर्मा में अधिकतर इसका उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं काइंड्स के बारे में, बात करते हैं। काइंड्स कहने का मतलब होता है कितने प्रकार के या कौन कौन से प्रकार के रेशम कीट हो सकता है या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। काइंड्स ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है ना, काइंड्स देखते हैं फटाफट। काइंड्स के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल उठता है कि किस किस प्रकार का वो देखने को मिल सकता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो पहले देखिए काइंड्स, पहला मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे आप लोग वो मलबेरी का प्लांट देखे होंगे, शहतूत का प्लांट, उसमें जो रेशम कीट पाई जाती है बॉम्बिक्स मोराई, उसके अलावा भी और बहुत सारे प्रकार के रेशम कीट की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें कुछ कहना चाहिए कि कल्टीवेटेड भी हो सकते हैं, मतलब उगाने वाला भी, उगने वाला भी हो सकता है, कुछ वाइल्ड नेचर के भी हो सकते हैं, जंगली भी हो सकते हैं, कुछ अर्धपालित और कुछ अन्यपालित भी हो सकते हैं, याद रखेंगे। सभी जातियों में भारत सभी जाति जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये सब भारत में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहला इसमें नाम हम ले रहे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रिया पफिया, एंथ्रिया पफिया लीनियस के द्वारा दिया गया है, याद रखेंगे आप लोग। टसर रेशम कीट बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, टसर रेशम कीट बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। ये इसका जो ऑक्यूरेंस प्लेस है या प्राप्ति स्थल है इसका, ये बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर के जंगलों में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलती है, वेस्ट बंगाल, आसाम और यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको उनके वहाँ पर पाई जाने वाली जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट जोन है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जो वृक्ष होती है साल, बेर, गुलर, पाखर, उनकी पत्तियों को खाकर ये बढ़ने वाली होती है। इनकी सुंडी हल्का भूरा या पीला कोई बनाती है, सुंडी मतलब कैटरपिलर जो होती है, ठीक है। किस किस वृक्ष में देखने को मिलेंगी, साल में देखने को मिल सकते हैं आपको, साल देखे होंगे आप लोग, ठीक है, बेर में देखने को मिल सकती है आपको, गुलर देखे होंगे आप लोग, गुलर तो जानते ही होंगे आप लोग, और पाखर में आपको देखने को मिल सकती है, पेड़ पाखर वगैरह में साल में देखने को मिल सकती है, क्लियर है। इनकी जो अर्धपालित प्रकार की कीट होती है, इनकी जो सुंडी होती है, कैटरपिलर जो होता है, कैटरपिलर जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है या ग्रे कलर की आप कह सकते हैं, भूरे रंग की होती है, और इसका जो कोकुन बनती है और येलो कोकुन बनाती है, येलो कोकून का फॉर्मेशन, कोकून का फॉर्मेशन करती है, पीले रंग के ये कोए का निर्माण करती है, वृक्ष की डंठल द्वारा ये लटका हुआ रहता है। टसर रेशम कीट की एक अन्य जाति भी होती है जिसको एंथ्रा टॉयले भी बोलते हैं, याद रखना, इसमें याद रखेंगे। मैं यहाँ यहीं पर आपको शो कर रहा हूँ टॉयले, ठीक है, एंथ्रा टॉयले, जो कि हिमालय के तराई भागों में पाई जाती है। इनके जो सुंडी होती है आग की पौधों की पत्तियों को खाती है, जाति का, इस जाति का जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग का और सख्त होता है, ये जो होती है वाइट रंग की, वाइट कलर की आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी कठोर और देखने को मिल सकती है आप लोग। सेकेंड इसमें आता है, सेकेंड काइंड्स की बात करते हैं तो एक होता है फ्लोमिया रिसिनी करके आता है, जिसको एरी रेशम कीट बोलते हैं, फ्लोमिया रिसिनी, एग्ज़ाम में पूछा जाता है नाम, याद रखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर बॉटनिकल नेम यूज़ कर रहा हूँ, साइंटिफिक नेम यूज़ कर रहा हूँ, याद रखेंगे, माय मिस्टेक, बॉटनिकल नहीं होता, प्लांट में होता है, ये एनिमल है तो ये साइंटिफिक नेम कहेंगे हम इसको, वैज्ञानिक नाम ही कहेंगे, ठीक है, जंतु नेम, एनिमल नेम भी कह सकते हैं आप इसको। एरी रेशम कीट बोलते हैं, फ्लोमिया रिसिनी करके आता है, मुख्य रूप से आसाम के जंगलों में पाई जाती है, ठीक है। इसका जो ऑक्यूरेंस स्थल है आसाम के जंगल में है, लेकिन अब आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा, बिहार में भी देखने को मिलेगा, ओडिशा में भी आपको देखने को मिल सकता है, ओडिशा के जंगलों में भी मिलेगा, और चेन्नई का जो प्रांत है जहाँ पर जंगली इलाका है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी जो सुंडी होती है या जो कैटरपिलर होता है वो अरंड बोलते हैं, अरंडी का पौधा आप लोग जानते होंगे, रिसिनस केम्यूनिस करके आता है, उसके प्लांट की पत्तियों को खाता है, इसकी कोए से रेशम जो प्राप्त होता है ईट जैसा लाल रंग का होता है या सफ़ेद हो सकता है,
मतलब इससे जो हम सिल्क प्राप्त करेंगे वो रेड कलर का हो सकता है इट जैसा और वाइट कलर का भी हो सकता है, दोनों प्रकार के मिलेंगे। इसके जो कोए रहते हैं रेशम पूरे धागे के रूप में नहीं उधाड़ा जा सकता, इसे इस साफ करके काटा जाता है, पूरे कोकून से धागा नहीं बनाया जा सकता है। रेशम घटिया किस्म का होता है कहना चाहिए, ठीक है, कि इस कीट को पाला भी जा सकता है या पाल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट स्पीसीज इसमें देखने को मिलते हैं वो होता है एंथ्रिया असामिया, एंथेरिया असामिया, नाम से स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि किस जगह पाई जाती है असामिया, ठीक है। मूंगा रेशम कीट बोलते हैं इसको, ये रेशम कीट जो होता है बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इत्यादि में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? बिहार में देखने को मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी, ओडिशा में देखने को मिलेंगी, ओडिशा के जंगलों में आपको या कल्टीवेटेड प्रकार के देखने को मिल सकती है। ये भी आसाम में पाई जाने वाली प्रमुख इंसेक्ट के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। अर्धपालित कीट होती है, इनकी जो कैटरपिलर होता है सुंडी होती है, वो सिनोमोन की जो प्रजाति आता है सिनोमोन, उसके पौधों की पत्तियों को खाती है। इसके कोए का जो रंग होता है वो दूधिया या पीले रंग का होता है, मतलब मिल्क लाइक कलर का और येलो कलर की इसमें कोकून या धागे हो सकते हैं, ऐसा समझिए आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ टाइप में आता है आपको जो देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थियोफिला रिलीजियोसी करके आता है, देव मूंगा रेशम कीट बोलते हैं जिसको हम लोग, थियोफिला रिलीजियोसी, ये स्मॉल आर होगा याद रखेंगे, ठीक है, देव मूंगा रेशम कीट बोलते हैं। ये जो कीट पाई जाती है ये यूपी वगैरह के जंगलों में देखने को मिल सकती है, आपको हिमालय वाला एरिया में आपको देखने को मिल सकता है, उसके तराई में देखने को मिल सकते हैं। इनके जो कैटरपिलर होती है वो मैचलिस फाइकस की प्लांट की पत्तियों को खाने वाली, खाकर बढ़ने वाली होती है। इनके जो धागा होता है काफ़ी मजबूत और खुरदुरा होता है, मछली पकड़ने वाले जाल बनाए जाते हैं याद रखना, ठीक है, धागा काफ़ी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, खुरदुरा होता है, मछली पकड़ने वाले जाल का फॉर्मेशन करते हैं, हाँ ठीक है, नेट का फॉर्मेशन करते हैं, इससे जाल का फॉर्मेशन करते हैं मछली पकड़ने वाली, ठीक है। ये हो गया काइंड्स ऑफ सिल्क वर्म। पेपर में पूछा जाता है काइंड्स बॉम्बेक्स मोराई के अलावा कौन कौन सी प्रजाति है, तो चारों पाँच आपको याद रखेंगे, एक दो तीन चार और एक पाँच और एक छठवां, छह प्रकार की प्रजाति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब होता है शरीर की संरचना, रूप रंग कैसा होता है, इसका मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो हमको ये पता होना चाहिए, पहले तो ये जान ले कि शहतूत में के पौधे में रहने वाली, उसके पत्तियों को खाने वाली बॉम्बिक्स मोराई, इसको अधिकतर पाला जाता है, इनकी जो कोए रहती है वाइट कलर की होती है, हमारे देश में बहुत आयात में पाई ली जाती है याद रखना, उत्तम किस्म का रेशम आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की, तो रेशम का कीट एक मौत है, इसका जो इंसेक्ट होता है वो क्या है, एक मौत है, मतलब शलभ बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, जो लगभग 30 मिलीमीटर लेंथ वाली देखने को मिलेगी आपको लेंथ, ठीक है, समझ में आ गया। पंख विस्तार इसमें मिलेगा जो 40-50 मिलीमीटर का विंग्स देखने को मिल सकता है, पंख मिल सकता है, ठीक है। इसका जो रंग होगा वो क्रीमी वाइट होती है, कैसी होती है, क्रीमी वाइट आपको देखने को मिलेंगी, क्रीमी वाइट। नर और मादा अलग अलग होते हैं, नर मादा की अपेक्षा परिणाम में छोटा होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं याद रखने, जो मेल होगा, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, ठीक है, मतलब जो मेल होता है वो फीमेल से छोटे ही होंगे आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो बॉडी होता है तीन हिस्सों में बटी होती है, एक इसमें पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं हेड, सिर, दूसरा जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं थोरैक्स, तीसरा जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन, पेट वाला हिस्सा, तीन भागों में बटा हुआ रहता है। हेड वाले रीजन देखिए, हेड वाले हिस्सा देखिए, इसका जो हेड होता है स्मॉल साइज का देखने को मिलेगा, छोटा मिलेगा आपको, जिस पर वन पेयर आप राउंड शेप में कंपाउंड नेत्र मिलेंगे आपको, कंपाउंड आई बोलते हैं जिसको हम लोग, संयुक्त नेत्र बोलते हैं, वन पेयर कंपाउंड
आई देखने को मिलेंगे, संयुक्त नेत्र मिलेंगे, एक जोड़ी पीछे की एंटीनी मिलेंगे, मतलब वन पेयर ऑफ एंटीनी आपको देखने को मिलेंगे, वन पेयर एंटीनी या एंटीना आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें शक करने के लिए, चूसने के लिए मुख उपांग प्रेजेंट होता है, मतलब सकिंग ऑर्गन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। मैक्सिलरी पैलाई इसमें अब्सेंट होता है। जो माउथ पार्ट या मुखांग होता है वो इनएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, इसलिए प्रौढ़ कुछ खाते नहीं हैं और दो तीन दिन तक ही जीवित रहते हैं। मतलब प्रौढ़ जो होता है, एडल्ट जो होता है, ये विदाउट एनी फूड मटेरियल एब्जॉर्बिंग के वो लगभग दो से तीन दिन ही जीवित रह पाते हैं, याद रखेंगे। समझ में आ गया। अब आता है थोरैक्स रीजन। थोरैक्स मतलब होता है सिर का पीछा वाला हिस्सा कहलाता है, पिछला वाला हिस्सा कहलाता है वक्ष या थोरैक्स। वक्ष आगे की ओर पतला, ठीक है, तो थिन लेयर आपको देखने को मिलेंगी आगे की ओर पतला, थिन इन फ्रंट साइज, एंड देन पीछे की ओर काफी चौड़ाई आपको देखने को मिलेंगे। बैक साइड में पिछला हिस्सा जो होगा काफ़ी चौड़ा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनका जो वक्ष होगा, थोरैक्स होगा, तीन खंडों में बटा होगा, ठीक है। कौन कौन सा है? फोर, अग्र, मिड एंड हाइंड, पश्च, ऐसा बटा होगा। अग्र, मध्य और पश्च खंडों में बटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। वक्ष में जो आपको देखने को मिलेगा, वक्ष रीजन में स्केल से ढकी हुई टू पेयर आप विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, स्केली टू पेयर ऑफ विंग्स आपको देखने को मिल सकते, पंख आपको देखने को मिलेंगे, दो जोड़ी पंख आपको देखने को मिलेगा। शरीर का रंग के बारे में अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा मटमैला तिरछी धारियां वाली होती है, और लेग्स की बात करें तो थ्री पेयर लेग्स आपको देखने को मिलेंगे, थ्री पेयर लेग्स आपको देखने को मिलेंगे। पंख हल्के व मोती के रंग क्रीमी जैसे होते हैं, विंग का जो कलर होता है क्रीमी हो सकते हैं, क्रीम ठीक है, उनके ऊपर पीली या कुछ मटमैली तिरछी धारियां आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है एब्डोमिन या पेट वाला हिस्सा आता है, उधर जो होता है 8 to 9 सेगमेंट में बटा हुआ रहता है, ठीक है, 8 to 9 खंड में बटा हुआ रहता है, सारे शरीर से अधिक मोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा थिक पार्ट, थिकनेस लिया हुआ रहता है ये वाला हिस्सा, हल्के रोम और स्केल से ढका हुआ रहता है, मतलब हैरी होता है, और ये कहेंगे कि ये स्केल से ढका होता है, स्केल, ठीक है, मतलब रोम जैसी संरचना, स्केल से, शल्क से ढका हुआ रहता है। मादा का जो एब्डोमिन रीजन होता है, फीमेल का जो एब्डोमिन रीजन होता है, एक की उपस्थिति के कारण ज़्यादा स्थूलित होता है, ज़्यादा फ्लैसिड कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। एक इंसेक्ट, प्राइमरी इंसेक्ट मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना रहें इसके मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। ये एक पहले मैं इसमें क्या बोलते हैं इसको, एक मेल और एक फीमेल का डायग्राम आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। जो थोरैक्स रीजन होता है, ये इस प्रकार से ऐसा कन्वर्टेड रहता है। तो यहाँ पर एंटीनी, वन पेयर ऑफ एंटीनी आपको देखने को मिलता है, लेग्स फिन से छुपा हुआ रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर लेग्स नहीं शो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ विंग्स शो कर रहा हूँ। आप इससे समझ लेंगे कि यहाँ पर टू पेयर ऑफ विंग्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा धारियाँ रहती है, हल्की पीले रंग की या मटमैले रंग की धारी आपको देखने को मिल सकती है, क्लियर है। ये है एडल्ट मेल, एडल्ट मेल, ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल देखिए, फीमेल की जो साइज़ है वो मेल से काफ़ी बड़ी आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ी बड़ी साइज़ में आपको देखने को मिलेंगी फीमेल की जो साइज़ होगी, ठीक है। ये फीमेल की जो साइज़ है, इस प्रकार से आपको काफ़ी लेंथ वाली देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें भी आपको जो थोरैसिक रीजन में जो देखने को मिलेगा वो वक्ष स्थल में वक्ष से निकला हुआ आपको दिखाई देंगे, टू पेयर ऑफ विंग्स आपको देखने को मिल सकती है इस प्रकार से, एंड देन नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, मतलब टू पेयर ऑफ, ये ऐसे इसमें मटमैले रंग की पीली धारियां आपको देखने को मिल सकती है। ये स्थूलित और मोटी इसलिए होती है क्योंकि इसके एब्डोमिन शैक में यहाँ पर ये मोटी, हल्का मोटाई लिया हुआ इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर अंडे बनते हैं, क्या बनते हैं, अंडे बनते हैं। ये इसके वन पेयर ऑफ एंटीनी दिखाई दे रहा है। ये हो एडल्ट, एडल्ट फीमेल,
इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैंने एक चर्चा किया था कैटरपिलर के बारे में, तो कैटरपिलर भी देख सकते हैं आप लोग, अपने पत्तों में छोटे छोटे ऐसे इल्लीनुमा संरचना देखे होंगे ऐसा। ठीक है, तो ये इल्ली आपको देखने को मिल सकती है ऐसा, ये इस प्रकार से ऐसा बटा हुआ या बना हुआ आपको देखने को मिलेंगे। ये इस प्रकार से ऐसा खंडों में ऐसा बटा हुआ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसमें हल्के हल्के ऐसे लेग्स जैसे संरचना आपको देखने को मिलेंगे आपको। इल्ली जैसे संरचना आपको देखने को मिलेंगे, ये होता है कैटरपिलर, सुंडी बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं, सुंडी। ठीक है, इस प्रकार का ऐसा सुंडी या कैटरपिलर आपको देखने को मिलेंगे, ये है कैटरपिलर या सुंडी, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट मैंने बताया क्लासिफिकेशन, काइंड्स एंड मॉर्फोलॉजी, इसको अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से सवाल भी पूछा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिले। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।